वृद्ध माँ से मिलने के बाद अपने घर जा रहे 57 वर्षीय मिलिंद पाटनकर को चाकू दिखाकर मोबाइल छीनकर ले जाने वाले दो आरोपी आकाश रामटेके और शुभम बालगुहेर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के अनुसार रसिका अपार्टमेंट विश्वकर्मा नगर निवासी मिलिंद पाटनकर को 2 जून को आरोपी आकाश और शुभम ने राजकमल चौक से जादू महल चौक के बीच चीत स्टेशनरी के पास रोड पर लूट लिया था। घटना के बाद मिलिंद ने अजनी थाने में शिकायत दर्ज की। दिनांक 2/6/19 को रात को 8:45 बजे के दरमियान में फिरियादी है श्री मिलिंद दत्तात्रेय पाटनकर, ये उनके घर के पास में राजकमल चौक के पास में अपने पैदल घर में जा रहे थे, उतने में 2 अज्ञात व्यक्ति 2-व्हीलर गाड़ी पे आए। उन्होंने उसको चाकू जैसा कोई हथियार दिखाया था और उनके जेब में से रेडमी 9 प्रो मोबाइल छीन कर लेके भागे थे। ऐसी हमको रिपोर्ट प्राप्त हुई थी जिसमें से हमने पुलिस स्टेशन में 392/34 बादवी के तहत मामला दर्ज किया था और वो एक वरिष्ठ पत्रकार भी है फिरियादी। उस आरोपी को पकड़ने के लिए हमने आजू बाजू के CCTV फुटेज के खंगाले माहिती निकाली और उस माहिती के आधार पर हमने आरोपी आकाश नरेंद्र रामटेके और शुभम सूरज बालगुहेर, दोनों की उम्र 19 साल है, चंद्रमणि नगर के रहने वाले हैं, उनको हमने अटक किया है, ताबे में लिया। पूछताछ करने के दरमियान उन्होंने वो घटना को अंजाम दिया था ऐसा बताया है। उसमें से हमने छीना गया हुआ मोबाइल और बाइक, वैसे उन्हें में जब जो चाकू यूज़ किया था तीन बार चाकू, ऐसा मुद्देमाल हमने रिकवर किया है और आरोपी अभी PCR में है और भी हमारा अगला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नहीं, आरोपी के ऊपर में पहले कोई गुनाह दाखिल नहीं है। पुलिस ने धारा 392/34 के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने फुटेज व तकनीकी का सहारा लेकर दोनों आरोपियों को 7 जून को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी चंद्रमणि नगर गार्डन के पास लूटपाट के इरादे से घूम रहे थे। पुलिस ने मोबाइल बरामद किया है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।